गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा, बात करने जा रहे हैं बिग बॉस ओटीटी 3 के बारे में। फिलहाल होने वाला है एक इवेक्शन। 3-4 दिनों से खबरें आ रही है कि भाई शिवानी चली गई, विशाल चला गया, कटारिया चले गए, लेकिन असलियत में गया कौन है? एक्चुअली ये अभी तक किसी को भी नहीं पता कि गया कौन है। अब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं और ना ही कोई घर से बाहर गया है। जो लगाए जा रहे हैं वो अटकलें लगाई जा रही हैं, और कौन हो सकता है घर से बाहर वो भी मैं बता देती हूँ। बिग बॉस यहाँ पर पूरी तरीके से खेल चुका है। अब बिग बॉस के हाथ में है कि वो किसको बाहर निकाले किसको नहीं निकाले। बिग बॉस ने पहला खेल ये बोला खेला कि रणवीर शौर्य जब बन गए कैप्टन घर के, तो उनको एक अधिकार दे दिया कि आप एक को बचा सकते हो, 3 को फंसा सकते हो। उन्होंने 3 को फंसा दिया। सना मकबूल को ऑलरेडी वो बोल चुके थे कि भाई ये आपकी साथ की है, इनको आप नहीं कर सकते। तो बचे कौन? शिवानी, कटारिया और विशाल, इनको कर दिया क्योंकि तीनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तीनों की फैन फॉलोइंग बहुत है। वोटिंग के आधार पर तीनों बचे जा रहे थे। तो लोगों को कन्फ्यूजन करने के लिए, लोगों को और TRP क्रिएट करने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए तो इन तीनों को डाल दिया, क्योंकि इनसे पर्सनल खुंदस भी है, निकालना ही था। अब इन तीनों को जब डाल दिया, इसके बाद में भी बिग बॉस यहाँ नहीं रुके, मिड वीक इवेक्शन नहीं किया। कभी इनसे टास्क करा रहे हैं कि ये टास्क करो तो तुम बच जाओगे, वो टास्क करो तो तुम बच जाओगे। कल एक करा कि आप भाई सीधे सीधे नॉमिनेट हो जाओगे। कल का जो लाइव आपने देखी होगी, मतलब एपिसोड आपने देखा होगा, उसमें सीधे सीधे कहा कि भाई अगर आप यहाँ से गए तो आप सीधा है। उसमें भी खेल खेल दिया, जैसे कि उन लोगों को बोला गया कि आप किसको बचाना चाहते हो, किसको निकालना चाहते हो, उनका नाम लिखो। साई केतन और जो रणवीर है उन्होंने लव का लिखा क्योंकि पर्सनल खुंदस है। साई केतन को तो पता ही नहीं क्या खुंदस है। कलर पर मलिक ने साई केतन को बहुत सही जवाब दिया। साई केतन कहता है कि इसकी भी नज़र गंदी है, यानी कि लव कटारिया की भी नज़र गंदी है। तो वहीं पर अरमान ने उसको बोला कि नहीं, उसकी नज़र गंदी नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूँ, सफ़ेद से लिखवा लो, काले से लिखवा लो, कटारिया की नज़र गंदी नहीं है, ये बाहर एंगेज्ड है और इसका इसके घर में 2-2 बहनें हैं, ऐसा काम कर ही नहीं सकता। जिस थाली में खाता है उसमें छेद नहीं करेगा ये। तो वहीं पर साई केतन की जमान चुप हो गई, लेकिन उसको पर्सनल खुंदस है साई केतन को, रणवीर को लव से। तो उन्होंने किया है लव को कि भाई ये जाए घर से बाहर। इसके बाद अरमान और कृतिका, जग जाहिर है उनको विशाल को ही करना था। अगर विशाल ना होते और कोई होता तो मकबूल को करते या फिर लव कटारिया को करते, क्योंकि लव कटारिया भी उनके लिए काफी बड़ा जो है एक कॉम्पिटिशन है। बाकी जो बचे 4 शिवानी के दोस्त, चारों ने शिवानी को किया है। उसमें मकबूल हो, उसमें नेजी हो, नेजी दोस्त नहीं है फिर भी, विशाल हो और कटारिया हो, चारों ने शिवानी को किया है। यानी कि अगर घर की वोटिंग माने तो शिवानी बाहर। फिर बिग बॉस ने एक और खेल कर दिया कि इसको यहीं रख दो, जिस दिन वीकेंड का बार होगा उस दिन डिसीजन होगा। तो भैया आप 4 दिन पहले रखवा के कर क्या रहे थे वहां पे? उस वक्त की उनकी हड्डियां बेचारों की गला दी थी तुमने कि अभी जा रहे हैं हम, तो वो टेंशन में हो रहा क्या रहा है जिससे घर में लड़ाई झगड़े हों? बिग बॉस खेल गया। इसके बाद में बाहर पूरा हंगामा मच गया, शिवानी गई। फिर एक चाल और खेली कि एक फोटो डिक्लेयर कर दी कि विशाल को हो गया इविक्टेड। भैया वो और हंगामा मच गया, भाई विशाल चला गया। लेकिन एक्चुअली वो भी बिग बॉस का गेम निकला। अब वोट डलवा रहे हैं बाहर वोटिंग में। अगर शिवानी ऑलरेडी इस चीज के लिए थे तो 2 की वोटिंग पड़नी चाहिए थी, पर 3 को वोटिंग करवा रहे हैं। तो भैया या तो घर वालों के हिसाब से करवा लेते या फिर वोटिंग करवा लेते, लेकिन दोनों चीज करवा रहे हैं, वोटिंग पड़ रही है। अगर वोटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट पड़ रहे हैं लव कटारिया को, उसके बाद शिवानी को, उसके बाद विशाल को। अगर वोटिंग से बच निकलना हुआ तो विशाल जाएगा, यानी कि घर वालों के हिसाब से गए तो शिवानी जाएगी, वोटिंग के हिसाब से गए तो विशाल जाएगा। और अगर कैप्टन ऑफ द हाउस के हिसाब से गए तो वो किसको भेजेगा? लव कटारिया को। तो यानी कि यहाँ पे तीनों में से किसी के भी जाने के चांसेस है। अब वो बिग बॉस के हाउस में है कि हाथ में है कि वो किसको भेजे? तो ये अटकलें लगाना, ये सब चीजें करना, ये भी बेकार है। अभी डिसीजन फाइनल बस बिग बॉस के हाथ में और किसी के नहीं है। अगर जनता के हिसाब से जाते हैं तो विशाल जाएंगे, अगर घर वालों के हिसाब से जाते हैं तो शिवानी जाएगी, अगर कैप्टन ऑफ द हाउस के हिसाब से जाते हैं तो कटारिया जाएंगे। तो किसी का भी यही नहीं कह सकते कि ये तो 100% सुरक्षित है, ये 100% जाएगा।
बिग बॉस को जिसको निकालना होगा निकालेगा, लेकिन आपका क्या कहना है, आपको लगता है कौन सेव होगा कौन नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।